बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनकर मुजफ्फरनगर की नौशीन परवीन उर्फ रुखसाना अब रुक्मिणी बन गई हैं। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने प्रेमी के साथ शादी की। उनका बॉयफ्रेंड रोशन कुंवर वैशाली का रहने वाला है। 4 साल तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और आखिरकार रुखसाना ने यह निर्णय लिया कि उन्हें धर्म परिवर्तन करके शादी करनी है। दरअसल रुक्मिणी का कहना है कि वह बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में गई थी। बाबा का प्रवचन सुनकर ऐसी प्रेरणा मिली, उस वक्त मैं इस्लाम धर्म में थी इसलिए मैंने डिसाइड किया सनातन धर्म स्वीकार करूंगी तो ही शादी करूंगी। इसके बाद वैशाली में गंडक नदी में स्नान करने के बाद रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म अपना लिया और इसके बाद रोशन के साथ मंदिर में सात फेरे लिए। बता दें कि यह प्रेम कहानी जयपुर के कॉलेज से शुरू हुई थी, जहां वैशाली लालगंज के स्थित कुंवर टोला के रहने वाली रोशन कुंवर जयपुर के इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। यहां उसकी मुलाकात मुजफ्फरनगर जिले के जिगास की रहने वाली रुखसाना अंसारी से हुई। दोनों बिहार से थे, देखते देखते दोनों करीब आए। 4 साल तक दोनों का अफेयर चलता रहा। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन दूसरों के घर वाले तैयार नहीं थे। एक दिन दोनों बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में गए। रुखसाना प्रवचन सुनकर प्रभावित हुई। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म अपनाने के बारे में सोचा। इसके बाद पूरी रीति रिवाज के साथ उनके धर्म परिवर्तन कर लिया और रुखसाना अब रुक्मिणी बन चुकी है। उन्होंने गंडक नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद रोशन और रुक्मिणी शादी के बंधन में बंध गए। शादी कराने वाले पंडित कमलनाथ पांडे का कहना है, यह शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराई गई है। लड़के और लड़की में शादी के बंधन को बंधते एक दूसरे से साथ फेरे लेकर वचन निभाने का वादा किया है। हम लोग दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वही शादी के दौरान दो धर्म के लोग एक होने के नाते स्थानीय लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी और नव दंपत्ति को सभी का आशीष लेकर वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी साथ मिली।